Hello everyone. So welcome back guys. आज हम लोग करने वाले हैं evolution. पिकाचू को हम राइचू में evolve करेंगे. So पिकाचू को राइचू में करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पिकाचू candies 25 जो कि हमारे पास है पूरी. So guys हम पिकाचू देख रहे हैं कहाँ गया और ये रहा 711 है इसकी सीबी. सॉरी वी नीड 50 कैंडीज. पिकाचू कैंडीज में चाहिए 50. मैंने 25 बोला, माय बैड. सो हमारे पास पिकाचू है जिसके पास क्विक अटैक है और क्विक चार्ज है. सो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसका डिफेंस सब कुछ बढ़िया है. पिकाचू और ये इवॉल्व हो रहा है और ये हमारे पास आ चुका है राइचू. पॉकेट एक्स में रजिस्टर भी हो चुका है गाइस. हमारे पास अब राइचू है 1663. इसकी सीपी है, काफ़ी अच्छी सीपी है. इसकी पावर्स है हमारे पास स्पार्क और ब्रिक ब्रेक. तो हमने जयपुर में पकड़ा था इसको और हमारे पास 15 कैंडीज और बची हुई हैं इसकी. हम इससे इसके और भी पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं. अटैक, डिफेंस और एचपी सब इसका परफेक्ट है. तो हम इसको टेस्ट करते हैं, लेट्स टेस्ट. तो हम लोग एक ट्रेनर बैटल करेंगे जी. ये बैटल हमारी ट्रेनर के साथ होगी जो हमारा ट्रेनर है. तो ये हमारे ट्रेनर हैं, टीम मिस्टिक लीडर. सो ट्रेन करते हैं इसको, चेक करते हैं कि कितनी देर में चार्ज होता है, अटैक अपने कितनी देर में चार्ज करता है, कितना डैमेज करता है ये. सो अल्ट्रा लीक लेंगे हम लोग पहले नंबर पर राइचू लेंगे. कोबेलिन की जगह पर राइचू लेंगे हम लोग. सो ये है हमारा राइचू और एक लेते हैं जियोल्टन. ये भी इलेक्ट्रॉनिक पोकेमोन है, इलेक्ट्रिक पोकेमोन है. ब्लैंचे के साथ हमारा मैच है. ग्लेशियन जो कि वाटर टाइप, मतलब ये स्नो फेंक रहा है इस पर. काफ़ी डैमेज किया है इसने राइचू को, पर आप देख रहे हैं कितना जल्दी चार्ज हो रहा है, ये सुपर इफेक्टिव. ग्लेशियन का सीपी बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेयर में राइचू काफ़ी फास्ट चार्ज हो रहा है. ये बैटल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए. देखिए इसने इसको ख़त्म कर दिया है. हम यहाँ शील्ड यूज़ करेंगे ताकि हमें इसकी पावर देखनी है कि इतनी पावर में कितना होल्ड कर सकता है अपने आप को, कितना स्टेमिना है इसमें. मैं ग्रेट तक जा पा रहा हूँ, एक्सीलेंट तक इसको बूस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. ये फ़ायदा होता है कि आपके जब पोकेमोन का अटैक, डिफेंस और एचपी सब हाई होता है ना 3 स्टार, तो वो काफ़ी लंबे खेलते हैं, स्टेमिना काफ़ी सही रहता है उनका. ये जोल्टन है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये राइचू से काफ़ी बेटर लगेगा आपको. उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अटैक्स अलग हैं और इसका सीपी बहुत ज़्यादा है उससे. वो 1600-1700 में और ये है 2000-2100 में. दोनों बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाले पोकेमोन हैं. सो गाइस बैटल चल रही है,
ट्रेनर लीग में ये होता है कि वो सामने वाले जो ट्रेनर होते हैं वो शील्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग शील्ड यूज़ करते रहते हैं, नहीं तो उनके पोकेमोन हमसे फार बेटर हैं फिलहाल इस फाइट में। पर हम लोग फिलहाल इनके बूस्ट चेक कर रहे हैं कि कितनी देर जल्दी चार्ज हो रहे हैं, चार्ज इनके अटैक देख रहे हैं हम लोग। और ये मैच का सबसे लास्ट, चलिए एक और लगेगा, बहुत जल्दी चार्ज होता है यार ये, और राइचू से ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को तो ये। पर फिलहाल वीडियो राइचू पे है तो हमें राइचू की तारीफ करनी है सिर्फ। तो ये बैटल में सिर्फ जीतना ही था हमें, क्योंकि ये कंप्यूटर है, यू विन। सो गाइस, ये हमारे कुछ पोकेमॉन्स हैं जो कि मैंने इन दोनों पकड़े हैं और इवॉल्व किए हैं, और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोकेमॉन हमारे पास कितने हैं। देखिए इनमें अगर आप फेवरेट पूछेंगे तो मेरा फेवरेट थंडरस है, राइचू थंडरस देख लीजिए आप, और ये है जोल्टन जो कि थ्री स्टार नहीं है, पर आप सोचिए अगर वो थ्री स्टार होता तो उसका स्टेमिना सब बराबर होता। नेक्स्ट है हम लोग मैग्नेमाइट को करेंगे इवॉल्व। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।